ये हार हमारी सास की माँ का है एंड यू नो दिस इज 100 years old एंड आई एम श्योर ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल। अरे गुंजन, अपनी मेहंदी तो दिखाओ बेटा। वाओ, मेहंदी तो बहुत सुंदर लगी है, लेकिन बेटा इसमें आदित्य का तो नाम ही नहीं लिखा। शैल जी, अरे हाँ, नाम तो लिखा होना चाहिए बेटा, अच्छा शगुन होता है वो मेहंदी वाली। अरे सुनो, आदित्य का नाम भी लिखना है, आओ जल्दी यहाँ। मैं लिखवा लेती हूँ। एक मिनट, रचना। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मम्मी, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम गुंजन को अपने साथ ले जा सकते हैं, प्लीज? क्यों, क्या हुआ? है एक बात, बहन बहन वाली, बस 2 मिनट मम्मी। ठीक, आओ गुंजन। दीदी, हाँ, आप जरा हमारे साथ चले। क्यों, क्या हुआ? आइए तो, आप जरा गोपाल को बुला दीजिए। क्या हुआ, क्या है? सब ठीक तो है ना? पहले ठीक नहीं था, पर अब सब ठीक है। अब आइए हमारे साथ। हम अभी आए जी। आओ, क्या बात है रचना, आओ ना। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, जाना होगा। नहीं गुंजन, सब लोग यहीं आ रहे हैं। बाकी सब भी यहीं आ रहे हैं, लेकिन क्यों? ऐसे परेशान मत हो प्यारी बहना, आज की गुड न्यूज ये है कि हमारे घर की खुशियों की रुकावट का सबसे बड़ा पत्थर हट गया है। रचना, मयंक, ये सब क्या है बेटा? ऐसे बीच में अचानक कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? ताई जी, चारू ने अपना गुनाह खुद कबूल लिया है। और अब वह हम सबकी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। क्या, क्या मतलब? मतलब ये ताई जी कि चारू जैसे मुजरिम की जगह कहां होनी चाहिए? जेल में। और हमने उसे वहीं भेज दिया। What? चारू जेल में? दीदी, पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर डोली में बिठाकर अपने साथ ले गई है। आप उसकी चिंता मत कीजिए अब। सच? और ये सब हुआ है हमारी रचना की वजह से। She is the real heroine. शाबाश बेटा। और मयंक, तुम्हारी भी इसमें शाबाशी है। भाई बहन ने मिलकर कानून के काम को आसान कर दिया और आज हमारे परिवार को बदनामी और परेशानी से छुटकारा दिलवा दिया। सच रचना, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो बेटा। चुक चुक जी। अब मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच बहुत बड़ी मनहूस बला टल गई और मयंक भैया को अपनी आजादी मिली।
अंत भला तो सब भला। अब हम सभी लोग बिना कोई टेंशन या झंझट के गुंजन की शादी को एंजॉय कर पाएंगे। अरे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो नीचे चलते हैं, मेहमान सोच रहे होंगे हम कहाँ चले गए। आओ, आओ चलो जल्दी। चलो आओ बेटा आओ। गुंजन अब तो तुम खुश हो ना? ये शादी है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं कि आज हाँ और कल नहीं। जरा सोचो गुंजन, तुम एक झूठी जिंदगी जीने के लिए तैयारियां कर रही हो? जरा देखो तो सही, चारू का हमारी जिंदगी में से चले जाना, उसका भांडा फूटना, ये सब इशारे हैं गुंजन। भगवान तुम्हारे लिए एक नया रास्ता ढूंढ रहे और तुम होगी उन्हें मानने से इनकार कर रही हो। सच मानो तो तुम्हारे इस फैसले से आज सब दुखी जरूर होंगे, नाराज होंगे, लेकिन गुंजन जब तुम मयंक भैया के साथ शादी करके खुश होगी तो सब लोग खुश होंगे। ये मौका मत खो गुंजन, नहीं तो जिंदगी भर के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। हम जो कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं। आदित्य का सोचो, जिस दिन उसे पता चलेगा कि तुम्हारा मन कहीं और जुड़ा हुआ है तब क्या होगा? मान लो इस शादी के बाद तुम भैया को भूल ही नहीं पाए, फिर सब कुछ जानते हुए भी तुम बर्बादी का रास्ता क्यों चुन रही हो गुंजन, क्यों? चलो अब देर मत करो, चलकर मौसा जी से बात करते। अरे वाह, क्या कनेक्शन है। मैंने दरवाजा नॉक तक नहीं किया और तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझे लगा कि अगर तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं आने दिया या अलाउ नहीं किया तो, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मान ली तुम आ गए कुछ और हमारा प्यार जीत गया। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना कुंजन? कैसे नहीं आती मैं? सॉरी, लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। शायद तुम समझे नहीं मयंक। क्या? मेरे हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगी है मयंक, आदि के नाम की। मैंने आदि के पेरेंट्स को, अपने पापा को कमिटमेंट दिया है। मतलब कि तू? ऐसा नहीं है मैं कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साथ होना किस्मत में लिखा ही नहीं है। तभी तो देखो ना, हम हमेशा साथ होते होते रह जाते हैं। किस्मत की कहानी को तो नहीं बदल सकते है ना, और मेरी कहानी कहीं और लिखी जा रही है। इसलिए मयंक, मुझे मेरे पापा, होने वाले सासू ससुर, उन सब के सपने पूरे करने दो।
मौसी जी, क्या बात है, आज हमारी बिटिया रानी इतनी जल्दी उठ गई? बस यूं ही मौसी जी, सोचा एक लास्ट टाइम इस घर, इस आंगन की खुशबू, आवाजें और नजारे अपने मन में सोख लो। कैन यू बिलीव इट, ये वही घर है जिससे मैं इतना चिढ़ती थी, भाग जाना चाहती थी। आप सबकी बहुत याद आएगी मौसी जी, हर रोज हर पल। क्या करें बेटा, हर लड़की को ऐसा करना पड़ता है। हमने किया, तुम्हारी मम्मा ने किया, और अब तुम्हारी बारी। सोच रहे थे आज अगर स्नेहा होती ना तो पागलों की तरह तुम्हारी शादी की तैयारियों में जुट जाती। मौसी जी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन सच कहूं तो आपने कभी भी उनकी कमी मुझे महसूस नहीं होने दी। गुंजन, तुम्हें अजीब लगेगा लेकिन हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात मौसी जी? पता है गुंजन, हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है, ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि औरतों को अपना सब कुछ, तन मन धन, औरों को अपने परिवार को समर्पित करना होता है, और हमने हमेशा से ऐसे ही किया, शायद मरते दम तक करते रहेंगे। लेकिन बेटा, अब वक्त थोड़ा सा बदल गया है, आज की लड़कियां शायद ऐसा नहीं सोचती हैं, है ना? गुंजन, हम बस ये कहना चाहते हैं कि घर गृहस्थी में अपने आप को इतना मत खो देना कि अपने सपनों को पूरा करना भूल जाओ। आज की नारी जीवन रूपी नाव में अपने घर गृहस्थी और अपने सपने दोनों को लेकर चलती है। हमें यकीन है कि हमारी गुंजन भी ऐसा ही करेगी, बिना कोई समझौता के, है ना? You're awesome, मौसी जी। I love you. मौसी जी, I will always remember this. और आज के बाद कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ये एक वादा था जो मुझे पूरा करना ही था। It's over now. रचना, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कुछ चाहिए था? अब नहीं मम्मी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस बस ऐसे। बस ऐसे का क्या मतलब है? अरे बेटा, तुम्हें इस वक्त गुंजन के पास होना चाहिए। कल वो चली जाएगी तब हम सब। क्या मम्मी, अगर उसे जाना है तो वो जाए ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं बेटा, तुम्हें बहुत बहुत बुरा लग रहा है ना कि गुंजन हमसे बहुत दूर चली जाएगी। सच पूछो तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब छोड़ो इन सारी बातों को, ये सारे दर्द है ना, हम बाद में बांटेंगे। इस वक्त गुंजन को तुम्हारी जरूरत है, उसे जाकर संभालो, उसका हौसला बढ़ाओ। यही सारी मीठी यादें तो वो अपने साथ लेकर जाएगी बेटा। चलो ये लो, ये जाकर दे दो उसे। जाओ जल्दी। मम्मी, ना बेटा, नहीं,
ऐसे खुशी के मौके पर रोते नहीं बेटा। अरे पगली, गुंजन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, अपना घर बसाने जा रही है वो बेटा। हमें खुश होना चाहिए उसके लिए। हमारी अच्छी बच्ची हो ना। मुझे याद करोगी ना? नहीं, हम तुम्हें क्यों याद करें? तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? भैया को मना क्यों किया गुंजन, जबकि तुम जानती थी कि तुम उनके साथ खुश रहोगी? सच्चे प्यार से दूर क्यों भाग रही हो गुंजन, क्यों? ये सब बोलने का ना अब टाइम है और ना ही मौका। मैं अपने साथ सिर्फ अच्छी यादें ले जाना चाहती हूँ। हमारी तरफ भी तो देखिए ना, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। दिखाओ। खोल कर देख लो। बहुत प्यारा है डोलू। समझ में नहीं आ रहा कौन सी याद आएगी, इतनी सारी यादें जुली जा रही हूं। आई लव यू डोलू। एंड यू विल मिस मी ना दीदी, इसलिए आप हमें रोज कॉल करना। प्रॉमिस। लेकिन सिर्फ कॉल नहीं, हम वीडियो चैट करेंगे ताकि मैं मीलों दूर होते हुए भी रोज इस घर में आ सकूं। नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो ना, ऑल द बेस्ट। एडी बहुत अच्छा लड़का है, एंड आई होप कि तुम्हें सारी जिंदगी वो खुश रखे। वैसे खुश तो तुम्हें मैं भी रखता था, लेकिन शायद इस जन्म में हमारा मिलना हमारी डेस्टिनी में नहीं था। लेकिन एक बात जरूर है, हमारा प्यार 7 जन्मों तक का है। सुन रहे हैं ना आप, इस जन्म में मैं गुंजन को किसी और की होने दे रहा हूं, लेकिन अगले जन्म और उसके आने वाले हर जन्म में गुंजन मेरी होगी, सिर्फ मेरी। उसके बाद चाहे कोई भी आईडी या कोई भी है, मैं गुंजन को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपसे मैं अपना हक छीन के रहूंगा। चलो चलो, बारात आ गई। चाची सब कुछ रेडी है ना? ठीक है चलो। दीदी बारात आ गई। डोलू बेटा जाओ, जाकर ताई जी को बुला लाओ, कहना बारात आ गई। ठीक है। वाह कितना अच्छा रंग चढ़ा है ना? ताई जी बारात आ गई है। आओ नीचे जल्दी से।
हम अभी आए बेटा। रचना, अभी नहीं तो कभी नहीं, बस जाकर सब कुछ कह दो। एक्सक्यूज मी। आदित्य, एक्चुअली हम आपसे कुछ, यहाँ है ना, एक्चुअली हमें आपसे एक बात करनी है। एडी बेटा, अंदर चलो, कुछ फोटोज क्लिक करनी है। भैया आप? आज गुंजन की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है तो मैं कैसे नहीं आता। सदित्य एक बार अकेले मिल जाए तो हम उससे बात कर ले। Excuse me. हमें दीजिए ना। मिश्रा जी, ये आदित्य, माय सन इन लॉ। नाइस टू मीट यू सर। अंकल, ये फेरे होने को और कितना टाइम बचा है? अरे सब्र करो बेटा, हो जाएगा। पीहू, संगीता, जरा गुंजन को लेकर आना। Excuse me. आपने आदित्य को कहीं देखा? आदित्य? हाँ, वो वहाँ है। क्या बात है, लगता है जूते छुपाने की तैयारी अभी से हो रही है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं रचना, जाकर सब कुछ कह दो। क्या करने जा रही हो तुम? मम्मी, वो हम वहां, मतलब वहां से हम, वो हम सब समझते हैं, देख रहे हैं तब से क्या चल रहा है। क्या करने जा रही थी तुम? हाँ मम्मी, हम चुपचाप शादी करो और चलती बनो। याद है ना हमारे बीच में क्या डील हुई थी? चारू की सिर्फ एक धमकी की वजह से कुंचन जबरदस्ती आदित्य से शादी कर रही है तो क्या वो खुश रहेगी? मम्मी, आप भैया को देखिए, आपको खुश नजर आते? ओह माय गॉड, इतनी प्यारी लग रही हो बेटा। चलिए आइए रस्में शुरू करते हैं। तो आखिर वो पल आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सात फेरों का दिन, हाँ हाँ बेटा, फेरे भी हो जाएंगे,
पहले जयमाला तो होने दो, देखो तो सही कितना उतावला दूल्हा है, इसीलिए तो चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। चलो हो जोड़ करके गणेश जी का स्तुति करो। प्लीज कुछ बताओगे भी, एकदम से क्या हो गया, हम ऐसे मंडप छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं गुंजन, पाप का पाप। मैंने पाप किया? कौन सा पाप एडी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गुंजन, जानती हो बचपन की दोस्ती की सबसे खास बात क्या होती है? एक दूसरे के बीच में हिचकिचाहट नहीं होती, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होती, जो कुछ भी होता है सामने होता है, और अगर नहीं होता है तो बता दिया जाता है। लेकिन तुमने तो इस दोस्ती के साथ गद्दारी की है कुछ, और सबसे बुरी बात तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी। इस बात को हम सभी जानते हैं कि अच्छा जीवन साथी मिलना कितना मुश्किल होता है, किस्मत वालों को ही ऐसा सोलमेट मिलता है जो आपने चुना, इसका कनेक्शन यहां से होता है, दिल से, ना कि साथ फेरो या एंगेजमेंट से। और तुम्हारा रिश्ता तो और किसी के साथ जुड़ चुका था, उसके बावजूद भी तुम उससे रिश्ता जोड़ना चाहती थी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।